नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज ये मैं आपको नीटिंग स्टिच बताऊंगी, ये सिखाऊंगी कैसे बनता है। ये नीटिंग स्टिच शॉल में, स्टॉल में, मफलर में आप किसी में भी डालें, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये देखिए स्टिच, ये इसका फ्रंट है, फ्रंट से ऐसा लगता है, और ये इसका बैक है, बैक से ऐसा लगेगा। आप इसको जैकेट में या लेडीज कार्डिगन में डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छा बनकर आता है। इसके लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, ये 4-4 में बनता है, 4+4+4, ऐसे करके आपको जितने भी लेने ले लीजिए। उसके बाद है इसके फंदे, आप एक रखें, दो रखें, वो आपकी मर्जी है। और ये सिर्फ 2 रोज का है, जो सीधी सिलाई है उसमें डलेगा, उल्टी सिलाई तो जैसे उल्टी होती है वैसे ही बनेगी। थोड़ा स्लो बनता है, धीरे धीरे बनेगा, बहुत जल्दी फास्ट स्पीड से ही नहीं बनता बस। और ये बहुत सुंदर लगता है, देखिए। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करें। यहाँ पर ये मैंने 18 स्टिचेस लिए हैं, 4 × 4 करके 16 + 2 करे हैं, तो ये 18 स्टिचेज है, इसको हम बनाएंगे। जो भी बॉर्डर आपको बनाना है बना लीजिए। ये सीधी तरफ से शुरू होता है, बेस की 2 सिलाई बना लेंगे, एक सीधी एक उल्टी। ये फाउंडेशन रो है, ये बार बार नहीं बनेंगे, बस ये एक ही बार बनेंगे। सीधी सिलाई हो गई, उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई को लूज बनाना है, टाइट नहीं करना। पहला फंदा है इसका, इसको आप बनाए उतारें आपकी मर्जी, बाकी फंदे थोड़े लूज बनाने हैं, टाइट नहीं करना है इसको, ऐसे ना लूज लूज इनको फंदों को बनाना है। टाइट करने से ये बहुत टाइट होता जाएगा, तो इन फंदों को हम लूज बनाएंगे। आखिर का फंदा है इसका, इसको भी उल्टा बना लेंगे। 2 सिलाई हमारी हो गई। अब यहाँ से ये पैटर्न डलेगा, ये बेस की सिलाई थी, बार बार नहीं बनानी। पहला फंदा बनाए उतारे आपकी मर्जी है। ये देखिए 4 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, इन 4 में ही पैटर्न अब डलेगा। पहला फंदा है, बैक लूप से बनाएंगे सीधा, इसको थोड़ा लूज लेंगे यहाँ से। अब ये पहला और दूसरा दोनों को एक साथ बैक लूप से बनाएंगे और इनको लूज रखेंगे। 2 हो गए, अभी 1, 2, 3 तीसरा भी इसके साथ लेके फिर से बनाएंगे, 3, फिर 1, 2, 3 और ये 4, चौथा फंदा भी इसके साथ लेके बैक लूप से बना लेंगे। तो 4 के 4 फंदे रह गए बैक लूप से बनाने हैं। ये देखिए, ये 4 फंदे, 1, 2, 3, 4, 4 थे 4 हो गए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, इन 4 में बनाएंगे। पहला बनाएंगे, लूज बनाएंगे, लूप को थोड़ा सा लूज रखेंगे, फिर ये पहला और दूसरा, ये 2 बना लिए। अब ये 1, 2, 3, ये 3 एक साथ बनाएंगे, 1, 2, पहले 1 बनाया, फिर दूसरे को पहले के साथ बनाया, फिर ये 1, 2 और ये 3, अब ये 3 को तीसरा भी इसके साथ लेके बैक लूप से बनाएंगे। 3 बन गए, 4-4 का बनाना है, 3 बन गए, ये 4th है। 4th को भी ये 3 के साथ, ये 4 इकट्ठे एक बार और बना लेंगे। ये 4 फंदे थे, 4 के ये 4 बन गए, बस तरीका थोड़ा सा अलग है बनाने का। अब ये 1, 2, 3, 4, 4 में बनाएंगे। पहले 1 फंदे से लेंगे, 1 फंदा बना लिया,
अब ये जो था जिसमें हमने बनाया इसको दूसरे फंदे के साथ लेंगे। अब इन दोनों को ये तीसरे फंदे के साथ लेंगे। हमें चार चार का बनाना, तो एक दो तीन, और ये चौथा फंदा है। इन तीनों को और इस चौथे फंदे को बैक लूप से फिर से बना लेंगे। तो ये चार हमारे बन गए, एक दो तीन चार। फिर से बनाएंगे, एक फंदा बनाया और पहले और दूसरे को बनाएंगे। अब इन दोनों के साथ, एक दो के साथ तीसरे को ले लेंगे। अब ये एक दो तीन और ये चार, चार चार में बनाना है, तो चौथे फंदे को भी ले लेंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार हो गए। आखिरी फंदा है इसका, इसको सीधा बना लेंगे। ये इस तरह से पैटर्न आएगा चार चार फंदों का। उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे, लूज रखेंगे, टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये टाइट होता चला जाएगा। सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट लगता है, उसके बाद तो ये लूज हो जाता है। ये ऐसा स्टिच आएगा। दो सिलाई हो गई, तीसरी सिलाई है। जो पहले हमने ये चार फंदे बनाए थे, स्टिच यही बनाना है। बस ये क्या होगा, दो फंदे इधर से लेंगे, चार में से दो फंदे इधर से लेंगे, दो फंदे इधर से लेंगे, दो इधर से लेंगे, दो इधर से लेंगे, तो ये बीच में बनेगा। जो पहले हमने चार फंदे में बनाया था उसमें पहले दो फंदे, ये तो एस का फंदा है, इसको बना के दो फंदे सीधे बना लेंगे। अभी दो फंदे पहले वाले के लेंगे और दो फंदे इसके लेंगे। इन चार में ही पैटर्न बनेगा। बैक लूप से एक ले लिया। अब ये पहला और दूसरा फंदा दोनों को बैक लूप से इकट्ठा लेंगे, दो हो गए। अभी तीसरे को भी इसके साथ ले लेंगे, एक दो तीन लेंगे, तीन हो गए। देखिए, एक दो तीन और ये चार, अभी चार ले लेंगे। चारों को बैक लूप से लेंगे। चार फंदे थे, चार हो गए, एक दो तीन चार। पहले जो इधर पर बना, एक इधर था एक इधर था, दोनों के दो दो फंदे लिए, यहाँ दो फंदे यहाँ से लिए, दो फंदे यहाँ से लिए। फिर से बनाएंगे, एक लूप बनाया। इसको थोड़ा लूज बनाएंगे ना, तो यहाँ से मतलब आप चाहें तो इसको उंगली से यहाँ से दबा लीजिए। अभी पहला और दूसरा दो हो गए, उंगली से ऐसे इसको दबा लीजिए। तीन हो गए। अब ये चौथे फंदे को भी इन तीनों के साथ में बैक लूप से ले लेंगे। ये आ गए चार फंदे हो गए, एक दो तीन चार। यही चार चार फंदे आते जाएंगे। पहला बनाया,
पहला और दूसरा फंदा लेंगे, अभी एक दो और ये तीन लेंगे, तीन हो गए, तीन हो गए। अब इनके साथ एक दो तीन ये चौथा फंदा भी ले लेंगे। ये चार फंदे हो गए, एक दो तीन और ये चार, चार हो गए। आखिर के ये दो फंदे और इसका फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी और लूज बनाएंगे, बिल्कुल लूज बनाना है। बस यही दो दो सिलाई रिपीट करनी है। फिर से हम पहले चार फंदों में बनाएंगे, दो फंदे इधर के, दो इधर के, जैसे यहाँ पर था पहले, यहाँ पर था ना, तो दो फंदे ये और दो फंदे ये। फिर से हम इसको चार चार फंदों में बनाएंगे। एक बार और बता देती हूँ, ठीक से समझ आ जाएगा। पहला फंदा बना लिया, अभी चार फंदे हैं, इनमें ये पैटर्न बनेगा। पहला फंदा बैक लूप से ले लिया, लूज रखेंगे, फिर पहले के साथ दूसरे फंदे को लेंगे, दो हो गए। अब इन दोनों के साथ में तीसरे फंदे को लेंगे, तीन हो गए। अब इन तीनों के साथ ही चौथे फंदे को भी ले लेंगे। तीन फंदे बहुत आसानी से बन जाते हैं, थोड़ा सा जो फोर्थ होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बन तो वो भी जाता है, इजीली बन जाता है। ये चार फंदे ये हो गए, अब इन चार में बनाएंगे। एक फंदा लिया, एक के साथ पहले के साथ दूसरा ले लिया, दो बन गए। अब इन दोनों के साथ ये तीसरा लेंगे, तीन बन जाएंगे। तीन हो गए, अभी जो चौथा है इसको भी इसके साथ में लेकर बना लेंगे। ये चार फंदे हो गए, फिर से ये दो, ये दो ये लेंगे, इधर के लेंगे, दो इधर के। एक फंदा पहले के साथ दूसरा ले लिया, अब दूसरे के साथ तीसरा भी ले लेंगे, तीन हो गए। अभी एक दो तीन के साथ एक फंदा हमारा रह गया, इसको भी ले लेंगे, एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदे हो गए। अभी ये जो चार हैं, दो इधर के, दो इधर के, इनमें बनाएंगे। पहला फंदा पहले के साथ दूसरे को लेंगे, बैक लूप से लेंगे, दोनों ड्रॉप नहीं करना है, साथ साथ ही लेना है। अभी दो और ये तीन, तीन हो गए। अभी चौथा फंदा भी एक दो तीन के साथ लेके चार ही इकट्ठे हम बैक लूप से ले लेंगे। ये देखिए ये बन गया। आप इसको पूरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे कार्डिगन जैकेट बना रहे हैं, या फिर बॉर्डर के पास थोड़ा सा बना के उसके
बाद कुछ और पैटर्न भी डाल सकते हैं, कैसे भी आप उसको बना सकते हैं। उल्टी सिलाई बिल्कुल लूज हैंड से बनाना है। ये ऐसा स्टिच बनकर आएगा और ये बहुत सुंदर लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट लगेगा, उसके बाद ये फंदे लूज होते जाते हैं और बड़े आसानी से बन जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे सुंदर सुंदर इजी इजी नीटिंग स्टिच पैटर्न देखने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।